अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य के आगे के क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति कौन सा समर्पित अभिलेख था? तो अभिलेख 11 धार्मिक सहिष्णुता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वे थे शिलालेख 2 और 13। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है? तो सातवाहन राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में, किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु की बलि पर रोक लगाई गई थी? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यह है शिलालेख 1। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? तो ये भी मिस्र का ही शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों के सुदृढ़ देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्य राजवंश के। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह है सोहगोरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्नेसिस भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये अशोक के दरबार में आए थे। मैग्नेस ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मैग्नेस की इंडिका में उल्लेखित है। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर किसमें उल्लेखित है? तो इंडिका में, जो कि मैग्नेस ने लिखी है उसमें है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो इंडिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो वो भी मैग्नेस का इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य नरेशों ने किसका विकास किया था? तो मौर्य नरेशों ने संस्कृत कला साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य का विकास किया था। सोने के सिक्कों का विकास इन्होंने नहीं किया था। भाग और बलि क्या है? भाग और बलि राजस्व के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की प्रमुख आय का स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो ये सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्र किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से मतलब राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करता था। निम्नलिखित में से कौन मौर्योगीन अधिकारी मापतौल का प्रभारी था? तो मापतौल का प्रभारी था पोताध्यक्ष। पंकोद सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, किस चीज पर लगाया जाता था? तो ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लगाया जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये न्यायालय अस्तित्व में थे। वर्तमान नगर पालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल से ही जारी है? तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये मागध का व्यवसाय था। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था मौर्यों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में दी गई है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो वात्य क्षत्रियों का मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था।
इसमें से कौन से जो आगमनकारी हैं हमारे भारत में, वो सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया, उसको उसी हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले आया था मेगनिस्त, उसके बाद आया था फाहियान, उसके बाद आया हेनसांग और उसके बाद आया था इत्सिंग। अब यहाँ पर नाम दिया गया है राजा का और उनको कौन सी उपाधि दी गई थी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को कहा जाता था सेंडोकोट्स, फिर बिंदुसार, बिंदुसार को कहा जाता था अमित्रघात, उसके बाद अशोक, अशोक को प्रियदसी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्मिसुंग ने की है। अंतिम सुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कर्ण ने किया और उसके राजसिंहासन हथिया लिया। और आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया। तो ये तीनों को कथन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ईसवी सन के पूर्व में कुछ शताब्दियों में से निम्नलिखित में किन शासकों ने गिरिनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो ये दिया था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें दोनों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें अशोक का अभिलेख पाया जाता है। अब इसमें आपको बताना है कि एक नाम दिए गए हैं जगह के और उसको क्या कहा जाता है वो बताना है, कौन सा सही है। तो लोथल एंशियंट डॉकयार्ड था, सही बिल्कुल। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा था, बिल्कुल सही है। राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ये बिल्कुल गलत है। नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ये तीन सही है, राजगिरी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मौर्योत्तर काल के बारे में करेंगे। मौर्योत्तर काल में कौन कौन से राजवंश आए, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून विथ अस। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।